Hi friends, welcome back to my channel Sushmita's Happy Land। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये उषा का मिक्सर ग्राइंडर का और इसका मॉडल नंबर है MG3053। उषा का मिक्सर ग्राइंडर का जो बॉक्स है उसका ऊपर इसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। उषा का मिक्सर ग्राइंडर का वारंटी है 2 साल और ये 500 वाट का है। प्राइस मुझे पड़ा है 1899 रुपीज़। यहाँ पे है उषा का कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर। अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बॉक्स को पहले आप ओपन करेंगे और उसके बाद आपको मिलेगा एक ढक्कन और उसके साइड में एक छोटा सा बॉक्स आता है। उसकी बॉक्स के अंदर आपको सारी जार और उसकी ढक्कन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मिक्सी। मिक्सी का बॉडी बहुत ही छोटा साइज का है, बहुत आसानी से कहीं पर भी फिट हो सकता है ऐसा है और बहुत भारी भी नहीं है। मिक्सी के नीचे ये 4 रबर के स्टैंड बने हुए हैं, इससे ग्रिप बहुत अच्छा आता है। ये जब आप मिक्सी चलाएंगे तो ये गिरेगा नहीं। अब आते हैं इस छोटे से बॉक्स में। यहाँ पे जो मिक्सी का छोटा जार है उसका ढक्कन और उसके नीचे आपको मिल जाएगा मिक्सी का जो छोटा जार है वो। और ये है मीडियम जार, इसका भी साइज़ ठीक ठाक ही है, आप इसमें मसाले वसाले अच्छे से कूट सकते हैं। और ये है मिक्सी का सबसे बड़ा जार और इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी दिया गया है वो सफ़ेद रंग का। और ये शायद 1 लीटर का है जार और इसमें आप स्मूदी अच्छे से बना सकते हैं। और बॉक्स के अंदर एक मैनुअल बुक दिया गया है ताकि आप मिक्सी के बारे में और अच्छी तरीके से पढ़ सके, जान सके उसके लिए। मैंने जब दुकान से ये मिक्सी ख़रीदा था तो दुकान वाले ने मुझे कहा था कि इस मिक्सी को आप जब लॉक करोगे, लॉक करने के बाद जो बटन आता है उसे आप बाई तरफ 2 बार घुमाइए और उसके बाद उसे स्टार्ट कीजिए। तो देखिए मैं आप लोगों को वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे बाई तरफ 2 बार घुमाइए और उसके बाद आपको जितना पावर का चाहिए मिक्सी उतना आप घुमा सकते हैं। और इस मिक्सी का और एक खासियत है कि ये बहुत छोटा है, जिसकी वजह से आपका किचन अगर छोटा है तो ये बहुत अच्छे से आपको किचन में एडजस्ट हो जाएगा। ये है मिक्सी का सबसे छोटा वाला जार जिसमें एक ही ब्लेड आता है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होता है। ये है मिक्सी का मीडियम वाला जार और इसमें भी एक ही ब्लेड आता है। है मिक्सी का सबसे बड़ा वाला जार और इसमें 2 ब्लेड आता है। यहाँ पे सबसे छोटे वाले जार पे मैंने ले लिया है लहसुन और उसके बाद कटे हुए अदरक और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने जीरा ले लिया है और इसमें पानी देके इसे मैं ग्राइंड करने के लिए दे दूंगी। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है।